अपनी अपनी मेरा चौथा उपन्यास है। पहले मैं ख्वाहिशों के ही बारे में बताऊंगी कि इसमें तीन मुख्य किरदार हैं जिनकी अपनी अपनी ख्वाहिशें और उन तीनों ख्वाहिशों के बीच में कभी वो तीनों एक दूसरे के सपोर्ट में भी आती हैं, लेकिन अधिकतर उनके बीच में एक टकराव होता है। मुख्य किरदार एक युवा नेता है। मेरे ब्लॉग में एक कहानी मैंने छोटी सी लिखी थी नेताजी। बात ये थी कि अगर प्रेम से हारा कोई व्यक्ति कभी हो सकता है जिंदगी से हार के जिंदगी छोड़ना चाहता है, कभी शराब या किसी नशे में पड़ जाता है, तो कोई एक क्या ऐसा भी किरदार हो सकता है जो अपने को ज्यादा मजबूत बना लेता है। मेरा किरदार राघव नाम है और वो राघव ऐसा ही एक किरदार है जो उसको मौका ऐसा मिलता है कि वो राजनीति में आ सके, क्योंकि बहुत अच्छा लेखक है, बहुत अच्छा विचारक है और वहां से उसको राजनीति में कदम रखने का मौका मिलता है और वो इस मौके को छोड़ता नहीं है, वो हारता नहीं बल्कि वहां से अपनी जीत की शुरुआत करता है और आगे चलकर उसके लिए उसकी ख्वाहिश उसका सामाजिक और राजनीतिक जीवन ही बन जाता है। उसकी मुलाकात करीब 12 साल बाद उस लड़की के साथ होती है जिसके साथ कभी उसने जिंदगी के साथ बिताने के सपने बुने थे लेकिन बिछड़ गए थे। वो सब चीजें उन्होंने स्वीकार भी की थी, लेकिन अब उसका पति भी है देव। देव के अपनी ख्वाहिशें हैं, उसके लिए अपना व्यावसायिक जीवन ही सब कुछ है, लेकिन कृष्णा जो हमारी महिला पात्र मुख्य महिला पात्र है उसके लिए उसका परिवार उसके बच्चे ही उसकी सारी ख्वाहिशों का केंद्र बिंदु है। इन तीनों की ख्वाहिशों के बीच का जो टकराव है, कभी भावनात्मक बहुत ज्यादा उफान भी आते हैं तो कभी बहुत ही ज्यादा वो लोग एक दूसरे को जमीन पर भी लाते हैं। एक व्यस्त कहानी है, समझदारी से कहीं पर कोशिश की गई है उनको सुलझाने की सारी मुद्दों को।